बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की। और आप कहाँ होते हैं अभी? तो बस कहीं होने की आरजू कर रहा हूँ। अब दुआ करें किस्मत वहाँ ले जाए। चाहिए तो ये था कि अपने खोए हुए सारे रंग इसके आंचल में भर देती, लेकिन मैंने तो अपने आंसू ही इसकी आंखों में पिरो दिए। आप जानती हैं उसे? आहो, आया है वो दो तीन वरी हमारे कार। ओ, दिल के करीब रिश्ते, आरजू और वफान, तो ये पहेली थी। मैं आपके लिए फिक्रमंद था। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी आपको? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। हाँ ना सर। वो ना, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। और अभी एक रुपया नहीं है मेरे पास। तुझे पता है घर बहनें आई हुई हैं, कितना खर्चा हो रहा है। अपनी वारी तो बड़े पैसे होते हैं आपके पास, मेरी वारी मुक जाते हैं। और मैं कोई अपनी अय्याशियों पे पैसे नहीं लुटाता, समझ आई है ना? पल्ले ना तेला कर दी मेला मेला। ओ, मैंने तो कितनी बार समझाया कि एक ही दफा दुकान का हिसाब किताब करके जान छुड़ा इसे, वो आगे चल के बड़ी खेचल हो जाएगी आपको। दुकान मैं चलाता हूँ, उसके पास तो कागज़ भी नहीं है दुकान के। और लियाकत भाई, सारी बरादरी और पूरी मार्केट को पता है कि दुकान दोनों भाइयों की है, और कोर्ट कचहरी तक बात चली गई ना तो मुसीबत बढ़ जानी है आपको, क्या समझे? तू क्या चाहता है, दुकान बेच के मैं थड़े पे आ जाऊँ? और थड़े पे आए थड़े वाले, वो हमने क्यों बेचनी है दुकान? मैं तो कहता हूँ नासिर को कुछ दे दिला के चुप करके साइन करवा लो उससे। वो मानेगा? ले दस, वो मानेगा क्यों नहीं? जो बंदा 1000-2000 के लिए तड़िया लगाता फिरता हो, वो इतनी मोटी रकम कट्ठी देख के क्यों नहीं मानेगा? वो चुप करके साइन कर देगा वो। आहो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुचार जी। ना तुसी मैनू ऐ दसो, मैंने यहाँ कोई जिन पाले हुए हैं जी, या मुझे कोई अलहाम होते हैं कि बाकिया पहले और खबर मुझे बाद में पता चले? अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, खुदा हाफिज। अम्मी जान, किसका फोन था? तेरे प्यो का फोन था। देखो जरा, आमना हमें कुछ बताती तो हम जाते ना रोहान की तबीयत पूछने। अब उसका ससुराल ही बातें करते हैं तो हम क्या करें? हाँ, मुझे भी आज ही पता चला था भाभी। मुझे तो लगता है कि उस बेचारी की ना मत ही मारी गई है। हाय हाय, मत तो हमारी मारी गई है। सारा दिन घर के काम करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, कसमें ऊपर से तेरे भाई की 100-100 बातें भी सुनो। रहने दें भाभी, भाई कौन सा किसी को कुछ कहते हैं वैसे। बड़ा मीसना है तेरा भाई, मेरा मुँह ना खुलवा बच्चों के सामने। अच्छा छोड़े ना भाभी, रहने भी दें। ये बताएं कि आज चलें रोहान की तबीयत मालूम करने असर के टाइम? मैं भी चलूंगा। और मैं भी। अच्छा जी, तो कल स्कूल जाके टेस्ट मैं दे दूं आपकी जगह, है जी? अम्मी अगर आप देंगे ना, आपको तो अंडा ही मिलेगा। नूर, बुरी बात, चुप करके काम करो अपना, पढ़ो। ठीक है, चले जाएंगे असर वेले। हाय कसमे बाजी, हम तो उसी वक्त ही आ जाते रोहान को जब चोट लगी है, जो हमें पता होता तो। अब भी पता चला तो अब भी आ गए। नाशनाज, तुझे हमारे आने का भी नहीं पता चला था, हमारा ही हाल पूछने आ जाती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम आमना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हाँ, ये फल रखती हैं अंदर तो संभाल के।
अच्छा बस चाय तैयार है, मैं लेके आई। ना ना चाय वा तो रहने दे। ये बता रूहान की तबीयत कैसी है अब? रूहान ठीक है भाभी, शुक्र है खुदा का। हल्की सी चोट थी, खेल कूद में चोटें तो लगती रहती है ना। ओ सियाने कहते हैं ना, बच्चे डिग डिग के ही बड़े होते हैं। सही कहते हैं सियाने। खाला परवीन किधर है, नजर नहीं आ रही है। अरे फिर तेरे बच्चे किधर है, साथ नहीं लेके आई तू? वो अम्मी के साथ गए हैं ग्राउंड, आने वाले होंगे। मैं चाय लेके आती हूँ भाभी। तकल्लुफ ही कर रही है तू। फातिमा तू कितनी सोनी हिंदी जानी है, कौन सी क्रीमें लगाती है? बाजी मुझे क्या जरूरत है क्रीमें लगाने की, अल्लाह ने हुसैन ही पढ़ा दिया। नासिर भाई क्या है? उसने किधर जाना है, क्या है दोस्तों यारों में, अजीब मुंडा है। ऐसे मत बोले इफ़त आंटी, नासिर भाई तो बहुत अच्छे हैं। हाँ एक मजे की बात बताऊँ, जब उस दिन हम बाजार गए थे ना। मोन भाभी चले ना हम चलते हैं, नूर को भी हम अम्बा जी के पास बुला के आए, चाय तो हम फिर कभी भी पी लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, सही कह रही है, हमें चलना चाहिए। चाचू पी के जाए। आमना बन गई चा। अच्छा शिनाज, वो मैंने सुना था कि उनके अब्बा जी ने मकान लड़कियों के नाम लगा दिया। मैं उस दिन आमना से भी पूछ रही थी, उसने तो कुछ बताया नहीं। हाँ जी क्या कह सकते हैं, अब्बा जी ने कुछ तो सोचा होगा ऐसा करते हुए। हाँ बड़ों के काम में हम क्या बोल सकते। दादाजान आप बाहर मत जाइएगा, मुझे अकेले में डर लगेगा। ओ नहीं पुत्र, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं तो गली में आते जाते लोगों को देख रहा हूँ। अब शाम का वक्त हो गया है ना, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शाम को लोग अपने घरों से बाहर क्यों निकलते हैं? तो बेटा जब दोनों वक्त मिलते हैं ना, तो दिलों में छुपी हुई बेचैनी बेताबी जाने क्यों बाहर झांकने लगी, और लोग डर कर या घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अच्छा। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी अल्लाह बख्शे शाम के वक्त बहुत बेचैन हो जाती थी। अगर वो कमरे में होती तो सहन में आ जाती, सहन में होती तो बाहर गली में निकल जाती। और अगर गली में होती तो? तो फिर हम चलते चलते दूर किसी खुले मैदान की तरफ निकल जाते। अब तो बेटा ना तुम्हारी दादी रही और ना वो खुले मैदान। आपको दादी जान बहुत याद आती हैं। पुत्र मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। चल छोड़, तू ये बता कि अगर तेरी दादी जिंदा होती तो हम क्या कर रहे होते? लड़ाई। ओ तू भी पुत्र ड्रामा ही है। अच्छा चले ये बताएं 2+2 कितने होते हैं? 2+2 4। ये क्या राजो न्याज हो रही है माँ से लुक छुप के? लुक छुप जाना, मकई दा दाना राजे दी बेटी आई जे। राजे दी बेटी? कौन सी राजे की बेटी? राजा चाचा जहाज की बेटी, और कौन? हाय हाय एडे यो राजे होंदे, साढ़े बारे न्यारे ना हो जाते। वैसे अम्मी जी आपको फातिमा कैसी लगती है? जैसी है वैसी लगती है। क्यों की है? वैसे बड़ी सोनी नहीं निकल आई? हाय इफ़त पुत्र सोना हो जिदे कम सोने। वो तो काम भी बड़े अच्छे करती है, सिलाई कढ़ाई खाना पकाना और की चाहिए तानू। तो ओदी दावत खा के आई है ना, है ना? ऐसे गल की साजिशा हो रही ने। नासिर के लिए कैसी रहेगी फातिमा? रहन दे नहीं पैना, रहन दे, पहले मैं आमना खुला के पछता रही हूँ। हाय कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे लियाकत के लिए, जेज में कितना कुछ देने के लिए तैयार थे वो, तो मत ही मारी गई थी। हाय हाय अम्मी जी आमना नु क्यों है, चंगी भली तो है। की चंगी भली है, मोना मत्था ते जिन भर लथा। चलो
वो चार चीज़ें ले आती जहेज में तो फिर भी ठीक था। हमने मोटरसाइकिल मांगी थी, किस्तों पे दी थी उसके बाप ने ला के। अम्मी जी ताड़ियाँ सारियाँ गलना ठीक ने, मगर मैंने सुना है कि उन दोनों बहनों के नाम एक मकान भी है। है मकान, पता है मुझे, पर मल मार के बैठा हुआ इसका भाई उस पे। अब बेटियों को कौन हिस्सा देता है जदाद में से? हाय हाय अम्मी जी, तुसी नहीं दोगे सानू हिस्सा? आमना किथे मर गई है, अले तू सेब खा। जी अम्मी जी। तू तो नहीं खाना ना, छड़ी ना कुछ। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। बाजी, मून बता रहा था कि जब तू उस दिन बाजार में बेहोश होकर गिरने लगी थी तो तुझे नासिर भाई ने आके बचाया था। हाँ क्यों? अम्मी को पता है इस बात का? बता दिया था सिदरा ने। अच्छा बता, नासिर से बात हुई है तेरी? वो तो पता नहीं कहाँ गायब है इतने दिनों से। मेरी बाइक की ना प्रैक्टिस भी बीच में रह गई है। तब नासिर भाई का कोई फ़ोन या मैसेज तो नहीं आया हमारे फ़ोन पे? वो क्यों करेगा हमारे फ़ोन पे मैसेज? उनको ना मैंने हमारा नंबर दिया था कि एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ। खैर जा, मैं खुद ही देख लेती हूँ। हेलो, हाँ जफ़र, कहाँ गायब है तू इतने दिन से? नहीं आ रहा शादी पर? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, रुक जा मुझे छत पे जाने दे, आती हूँ मैं। आज कुछ बदली बदली सी लग रही है बाजी, पागल। Thank you.
सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें चांदनी रातें चांदनी रातें कौन है मून ओहो मून के हाथ ऐसे हैं क्या तुम इतनी खामोशी से यार मरियम तुम तो वाकई बहुत अच्छा गाती हो खाला जान को भी गाने का शौक है उन्हीं से ही तो मुझे शौक हुआ है बहुत अच्छा गाती थी अम्मी अब कम कर दिया है लेकिन कभी कभार गुनगुना लेती हैं अच्छा मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाऊं तो बताना कैसा है छाप तिलक सब छीन ली रे मौसे नैना में लईके नैना में लईके नैना में लईके नैना में लईके लो तुम तो मुझसे भी अच्छा गा लेती हो रहने दो बस अब मेरा दिल मत रखो ये बताओ ये किसके लिए बना रही हो तुम मेरी बात सुनो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बहुत अच्छा गा लेती हो तुम शायद मुझसे भी अच्छा ये दुपट्टा सिद्रा की शादी का है बहुत काम पड़ा है अभी अच्छा छोड़ो ये बताओ चाय पियोगी बनाऊं तुम्हारे लिए अरे नहीं चाय छोड़ो तुम यहीं पे बैठो बहुत अच्छा लग रहा है ये तो हयाती गुजारी मैंने इम्तियाज के साथ ऐसे बंदे के साथ हयाती गुजारना कोई आसान नहीं है जिसको पैसा कमाने का शौक नहीं हवस है ए तू फिक्र क्यों करती है मेरी ती इम्तियाज ने जो पैसे जोड़ रखे हैं कल कलां को तुम ही लोगों के काम आएंगे इस जोड़ जमा में कितना वक्त गुजर गया है कितना कुछ गवाच गया है बेची आपको याद है पा नसीर का ब्याह हाँ तब हम कराची में होते थे इस बंदे ने मुझे प्रा के ब्याह में नहीं आने दिया ये कह के टाल दिया कि पैसे नहीं है हमारे पास और खुद चला गया कारोबार के बहाने याद है मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है अकेला ही आ गया था उसे देख के मेरा सीना सड़ के सुहा हो गया था मैं बड़ा रोई पिटी थी दिए बड़ा रोई थी मैं भी कितने दिन बैठ के रोती रही इस बंदे की हर बात मानी है मैंने इसी की वजह से तलखी आ गई मुझ में जी वक्त बहुत बड़ी शय है बंदे को चुक चुक के मारता है सारी आकड़ निकाल देता है वक्त
छाल ढिल्ली हो जाती है तो गर्दन आपे झुक जाती है। बेजी, अब मेरा वक्त है, मैं चाहूं तो करके खिड़कियां बंद कर दूं, मैं चाहूं तो करके दरवाजे खोल दूं। हाँ बेजी, ये मेरा वक्त है। बड़ी चंगी है तू, तो दिल की बहुत अच्छी है बेटा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।